पैदा हुई है ऐसा आठ जने का नाम बताई है कि औरत पैदा तो भाई वो स्वयं महतारी बना लेकिन वो बिना महतारी के पैदा भइल बा ऐसा के बाबा करीब करीब आठ जने का नाम बताई प्रमाण भी दे जाला मजाक बना दो कैसा एकर बाद नंबर पूजा रानी करे है लेकिन जाए छोड़ा घर घर से तमाम लेकिन अलग अलग कहानी से लोग की शुरुआत होती छोटा सा लोग फिर नंबर वन में रहे आपस में बतिया जब हमारे गाना इतिहास को पन्ना कर मिटाई जननी कि बिना माई को पैदा भइल माई जननी ऐसा सबूत देव के जे बिना मायक कई औरत पैदा भइल है ओकर नाम ही बताई है के दिया अरे जनक सूखा पड़ा जनकपुर में लोग भला जनक का मुकाबला भाई
राजा जनक लड़ाई में हार गए हैं और विशाल जिम के प्रोवाइडर ही विशाल हमारे अनुज हमारे छोटे भाई आपो का आग्रह बड़ा दिल से बहुत अंदर बदले की भावना आती है तब करने बैठते हैं। इंद्र भगवान को अग्नि देव का तप कहले हमन कहलन कि हमके ऐसन लड़का दो ऐसन पिटवा दो ताकि हम द्रोणाचार्य के हरा सके। अग्नि देव एक लड़का देलन जौने लड़का का नाम बतावल गए आए बाबू आए भैया हमार कहानी का हो ऋषि मुनियन के रावण खून इकट्ठा करके खड़ा में ले जाकर राजा जनकपुर में राजा के यहाँ गाड़ देता ताकि इनके यहाँ बारिश न हो सूखा पड़ जाए। पंडित विचार करेंगे राजा रानी दोनों संगे हर चलेगी तब पानी पर से राजा जनक और रानी दोनों जने मिल करके हल चलाने का काम करते हैं। जब हल चलाओ तो घड़े से टकराएगा घंटार बारिश होती है वही घड़ा जब निकलना तो घड़ा में एक बिटिया निकल बिटिया गए रहे वही बिटिया के नाम सीता पड़ल और वही सीता का विवाह राम से भेल। सीता महतारी के पेट से ना पैदा भेल रहे वहां प्रमाण सही हो गया ना सही हो तो जोरदार ताली हो जाए। अरे द्रौपदी अग्नि देव के प्रसन्न कैले विशाल हर के प्रोवाइडर बड़ी पिताजी दोनों में लड़ाई द्रौपद लड़ाई हार गए बदला लेवे खातिर अग्निदेव के प्रसन्न कैल। अग्निदेव के हवन कुंड से लड़का निकलल जोने लड़का का नाम धृष्ट धूम रखा है लेकिन लड़का बड़ा कमजोर है तो उसे सामना फिर अग्निदेव से प्रार्थना करे तो वही हवन कुंड से एक लड़की निकलल जोने लड़की का नाम द्रौपदी रखल। द्रुपद पहलवान की हमें खानदान का बदला लेवे को द्रोणाचार्य से बदला लेवे को द्रोणाचार्य पांडव कौरव के गुरु हुवन तो हमें ऐसा वरदान दे कोनकर फसल का हम नाश कर सके। अग्निदेव के कल ये द्रौपदी है यही वजह से पूरा कौरव का नाश हुई पांडव का भी नाश हुई। आखिरकार कहानी आप लोग जानत हो द्रौपदी हवन कुंड से पैदा भेल कोनो महतारी से पैदा नामले नाटक गवैयन के चैलेंज बा कि हमें अरे 12 साल का चुईया है तू मान लिया
का नाम अधूरा बतावल गई, एक के नाम मोहन से पूछ ली है आप लोग। दोनों अप्सरा बड़ी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत। अब यहाँ के देखे जाइए, पूजा रानी बताए दे तो उससे ज्यादा खूबसूरत हमें लगे यहाँ संसार में क्यों बाना है। रचे उठ के बैठे क्या है, हमारे ग्राम सभा की बात है, बैठ जा। अब तो देखा तो हमें अधूरा सुर नामक राक्षस हाहाकार मचाया होता है, जो भोलेनाथ का चेला रहता है। भोलानाथ जी, भोलेनाथ जितना गड़बड़ी करें उसके केस सॉल्व करें मास्टर भैया, विष्णु भगवान सॉल्व कर रहे हैं। सब कहीं भोले का चेला हो ऐसे मरे ना, भोले बाबा के बुलावा, भोले बाबा जवन तप में बैठा रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहीं नहीं उठाए के इंद्रलोक का दूध अप्सरा इंद्रलोक को भेज दे थी, उन्होंने जाके नाचे लगे वहां जाग जाई। दोनों अप्सरा जाके नाचे लगे, शिव भगवान का ध्यान ना टूटल, पार्वती देख लेते कहीं है देखो हो लगल की हमारे आदमी को दोनों खुश करे आए हैं। एक गोली कुरान पहन तो के श्राप दे थे, तब मेढकी बन जावे मेढकी, एक गोली के श्राप दे के तई मघजी बन जावे, कछुई कछुई बन जावे। वो रोए लगे कहे इंद्र लोग का हमें आदेश हो, हमार गलती ना हो, मेढकी जन्म ना हो। कहे 13 साल के मेढकी रहबे, एक इनारा में 12 साल तप करबे, ओकरे बाद में फिर से मेरा रूह हो जेबे। कहे कि नाना तो 12 साल का यहाँ एक इनारा में ते 12 साल तप करबे। वो मेढकी 12 साल तप कैले, और यहर मयासुर और हेमा जेके पति पति ना तो ही नरवा के बगलिया में वो लोग तप पे बैठल हुए। 12 साल पूरा भय हो मेघचिया तुरंत औरत बन गई, आवाज दे थो कि बचाओ बचाओ बचाओ, मैं कुमार में हूँ। हेमा जाके औरतिया के बाहर निकलन देखो तुम, बड़ी खूबसूरत लड़की कहे बिटिया आज से तुम्हारी बिटिया हो, लड़की का नाम परम मंदोदरी। मंदोदरी भी अपने मातारी से पैदा ना भई रहल हे बाबू, और के रहे अपने मातारी से ना पैदा भई रहल कहना हो। तुम नारायण रे ऋषि जरम कचुईया बचल हो, कचुई जाए के ऋषि मुनि के आश्रम में जिंदगी अपन गुजारत हो। एक दिन कचुई देखत का हम आश्रम में सेवा करत हो, एक दिन एक के बाद सर्प लेके जा रहा था। सर्पवा गिर के ही ऋषि मुनि अपन दूध चुरोत रहे हुए, दुधवा में सर्पवा गिर गया। ऋषि मुनि नहा कर सूर्य में तो दुधवा पी ली, मगजिया देखत तो कि आए हाय जेकरे आश्रम में हम जीवन गुजारत है, आज ऋषि मुनि दूध पी के मर जाए कैसे के मन सर्प मरल जहर फैलल हो। ऋषि मुनि मर जाए मार जिम्मेदारी हम के लेके हम बचाई मरे से। मेघचिया देखती है न ताव, इस दूध में जाके छलांग लगा देती है। जब दूध में सामने मेघची गिरत तो ऋषि मुनि इसको छोड़ के दूध दूर हट जाते हैं, दूध पूरा गिर जाते हैं। अंतर ध्यान लगा के देखे तो कि आखिरकार मेघची हमारे दूध में कुदल का है, तम तम क्योंकि परम पिता परमात्मा थे, ऋषिदेव जो है अंतर्यामी होते हैं। पता लगल कि मेघची तो हमार जान बचाओ बिना दूध मां कुदल आए हाय, उन्हें तरस आ जाता है। अपने आशीर्वाद से कहते हैं कि मेघची को अपने पूर्व जन्म में ला दो। मेघची तुरंत एक लड़की कन्या के रूप में खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर जाती है। कहते मालिक हम अप्सरा रहली, हमारे माई पार्वती का श्राप रहल, तोरे आश्रम में हम सेवा करत रहली, आपका जान बचौली हम। ऋषि मुनि आशीर्वाद देते हैं कि बिटिया जाओ तुम हमेशा खुश रहोगी। कहे कि मालिक हम बिटिया है हमके रखी के, सुसेड़ नाम का राजा को बुलाते हैं, कहते हैं कि आज से एक अपना बिटिया बनावत
और एक नाम तारा रख ले। वही तारा का विवाह राजा बाली से भाई जौन बाली सुग्रीव का भाई रहे ना बाली का रावण का लड़ाई ही रहे वही तारा का विवाह बाली से भाई तो तारा भी बिना मातारी के पैदा भाई रहे। करीब करीब गाना हमारा आखिरी पड़ा हो मास्टर भाई समन से लक्ष्मी हवन कुंड से मरुनिया लक्ष्मी देवी जब समंदर मथा जा रहा था 14 रत्नों में से एक रत्न लक्ष्मी देवी है वो भी कोनो मातारी से पैदा ना भइल हवन कुंड से अरुणी पैदा भइल है गंगा जी कमंडल से पैदा भइल कोनो महतारी के पेट से पैदा ये आठ जने के नाम बतौली जे बिना महतारी को पैदा भइल हो एक मातारी का आज देखते रही भी हो दादी जी को आखिरी भाव हम पर हर कहो कि गुरु वर बिहारी दुर्गा जी मोरा उनके सपुत्र पप्पूला यादव जी जिनके साथ आप विवाह मुंबई में डोले स्वभाव बहुत अच्छा रह रहे विवाह जगत के सब कलाकार ना हो जो कलाकारी से लोहा ना मरो लेकिन कम उम्र में वो भी इस हिंदुस्तान छोड़ के चले गए विवाह समाज की कमी हमेशा खलते रहे कहना हो गुरुवर बिहारी शरीरी पे हमारे चकवान सिंह कावल के धरती का सब